कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम फिर गलत ही समझ रहे हो देव। तुम गलत समझ रही हो, हमेशा गलत समझती हो, दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो लौट आई हो। नहीं देव, मैं लौट कर नहीं आई हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं मां बनने वाली हूं। मां अब तो समझ जाओ मैं तुम्हें भूल गई, अब तो मुझे भूल जाओ, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव। मेरी जिंदगी नहीं बन सकते, मेरी जिंदगी सिर्फ राम है। विश्वास करो मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बसने दो मेरा घर, चले जाओ हमारी जिंदगी से, चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले। मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा, क्यों मैं जान कर भी अनजान पर रहा, क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया। कौन कहता है कि तुम हार गए, कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं, मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है, सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की? अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया?
एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है, तुम्हारे माथे पर वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा, मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम राम देव, मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती। देव, कृपया ध्यान दीजिए, ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान क्रमांक BA 317 अब लंदन जाने के लिए तैयार है। गुड बाय राम, कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स, फिर मिलेंगे। हेलो पापा, पापा मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल बेटे कैसे हो तुम, कहाँ हो? दिल्ली एयरपोर्ट से बस लंदन वापस आ रही हूँ। ओ पापा आई लव यू। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो, लगता तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। मिल गया पापा, उसी को लेकर तो वापस आ रही हूँ। अच्छा कौन है भाई वो? पापा आप उसे जानते हो। यस, कहीं वो देव तो नहीं? और कौन हो सकता है पापा, शीतल के लिए तो देव एंड ओनली देव। ओ तो वो देव ही है। पापा आई एम गोना सी यू द नेक्स्ट 8 आवर्स, ओके? प्लीज बी एट द एयरपोर्ट टू सी मी, नाउ आई एम गोना किस यू एंड आई एम गोना मिस। देव, शीतल कहाँ हो तुम, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। पापा से बात कर रही थी, वो तुमसे मिलने एयरपोर्ट आ रहे हैं। मुझसे? हाँ पापा तुमसे। लेकिन देव एक बात सुनो, जब तुम पापा से मिलोगे ना ठीक तरह से पेश आना, नो एटीट्यूड एंड नो एरोगेंस, वरना पापा को अच्छा नहीं लगेगा। ओके नाउ लेट्स गो, लेट्स चेक इन, कम ऑन देव। पापा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू एक कातल में है। आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना।